मॉर्निंग दोस्त, मैं अनिल। आज हम लोग पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बीच संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बेसिक्स को देखा था, ठीक है। और आज हम उससे आगे चलते हैं कि पियाजे साहब ने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में अपनी जो थ्योरी दी थी उसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले एडेप्टेशन आता है। एडेप्टेशन है, एसिमिलेशन है, समायोजन है, एकोमोडेशन, एक इक्विलिब्रिएशन होता है, स्कीमा और स्कीम्स होते हैं, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अनुकूलन है, ठीक है। तो अनुकूलन, एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होता क्या है, ठीक है। एडेप्टेशन होता क्या है? तो एडेप्टेशन होता है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। जैसा वातावरण है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, मतलब खुद को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। खुद को एडजस्टमेंट करने की जो पावर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन, ठीक है। वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, ये आपका एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, अनुकूलन हो गया। दोस्तों, अनुकूलन की दो उप क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं आत्मसात्करण और दूसरे को बोलते हैं समायोजन, ठीक है। एक क्रिया को हम लोग बोलते हैं आत्मसात्करण और दूसरे को समायोजन, ये दोनों एडेप्टेशन की उप क्रियाएं हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एसिमिलेशन से आत्मसात्करण बोलते हैं। तो आत्मसात्करण होता क्या है, ठीक है। आत्मसात्करण होता है प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। जो हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है उस प्रीवियस नॉलेज में कुछ नए नॉलेज को ऐड करना, ठीक है। जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें एक्वायर करना न्यू नॉलेज का, ठीक है। एक्वायर न्यू नॉलेज, तो इसको हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब जो हम लोगों के पास पहले से ज्ञान है उसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है तो उसे हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसको पता है कि एक दिन वो देखा कि एक काला कुत्ता है, ठीक है। उसको पता चला कि कुत्ता जो होता है वो काला होता है। कैसा होता है? तो ब्लैक, ठीक है ना। अब एक दिन वो देखा कि गली में एक उजला कलर का कुत्ता चला आ रहा है, ठीक है। तब उसने जब देखा कि उजला कलर का कुत्ता भी चला आ रहा है तो वो पता किया कि जो ब्लैक कुत्ता सिर्फ ब्लैक नहीं होता बल्कि कुत्ता व्हाइट भी होता है, ठीक है, उजला कलर का भी होता है। तो उसने अपने जो प्रीवियस नॉलेज था उसमें कुछ ना कुछ ऐड किया, ठीक है। वो ऐड क्या किया कि जो कुत्ता जो पहले काला था वो सिर्फ कुत्ता काला नहीं होता बल्कि उसमें उजला कुत्ता भी होता है। तो उसका जो प्रीवियस नॉलेज था कि कुत्ता काला होता है उसमें एक नए नॉलेज को उसने ऐड करा कि कुत्ता सिर्फ काला नहीं होता वो उजला भी होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। मतलब उसके नॉलेज में कुछ ना कुछ चेंज हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ, नए चीजों को एक्वायर किया, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में एक टर्म और यूज होता है कि एक इस टाइप से प्रश्न आता है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रत्यय जो पियाजे थ्योरी ने दिए हैं उसमें कौन सा ऐसा प्रत्यय है जिसमें कुछ ज्ञान में संशोधन होता है। तो जहां पे संशोधन की बात होगी, ठीक है, जहां पे संशोधन की बात होगी तो वो हमेशा आंसर उसका एसिमिलेशन होगा, ठीक है। एक कीवर्ड से है, ठीक है, इस ये संशोधन जो है एक कीवर्ड से, जहां पर भी संशोधन का प्रयोग होगा, ठीक है, तो उसके प्रीवियस नॉलेज में कुछ नए नॉलेज हम गेन कर रहे हैं। मतलब हमारे जो नॉलेज थे उसमें कुछ ना कुछ संशोधन हो रहा है, तो इस चीज को हम लोग एसिमिलेशन बोलेंगे, ठीक है। शायद एक टर्म आपका क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड टर्म हम लोग आते हैं एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में क्या होता है ना कि समायोजन करना, समायोजन मतलब खुद को उसके अनुसार ढाल लेना, ठीक है। समायोजन का मतलब क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज में चेंज करके वातावरण के अनुसार अपने आप को सामंजस्य बैठाना। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चे को ये पता है कि जो चार पैर वाला होता है वो कुत्ता होता है, ठीक है। लेकिन एक दिन वो देखा कि वैसे ही एक बिल्ली भी जा रही है, तो उसे वो अपने आप को वातावरण के अनुसार सामंजस्य बैठा लेगा
कि चार पैर वाला सिर्फ कुत्ता नहीं होता, वो बिल्ली भी होता है। मतलब वो कुत्ता और बिल्ली दोनों के बीच में अंतर कर पाना है। ये चीज क्या होती है? एकोमोडेशन। मतलब कुत्ता और बिल्ली दोनों के चार पैर होते हैं, ठीक है। पहले से उसे पता है कि चार पैर वाला जो होता है वो कुत्ता होता है, लेकिन वो जब देखा कि बिल्ली भी है तो उसने कुत्ता और बिल्ली के बीच में अंतर पैदा कर रहा है, ठीक है। कुत्ता और बिल्ली के बीच में जब अंतर पैदा करने लगा तो वो एकोमोडेशन हुआ। मतलब खुद को पहले जो नॉलेज थी उसके पास जो अस्कीमा था, अस्कीमा क्या होता है? नॉलेज होता है, ठीक है। तो जो उसकी अस्कीमा थी उस अस्कीमा में वो परिवर्तन करता है, उस अस्कीमा में परिवर्तन करके खुद को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, वातावरण के अनुसार सामंजस्य बैठा लेता है। मतलब जो कुत्ता है चार पैर का, वो चार पैर वाला सिर्फ कुत्ता नहीं है, वो बिल्ली भी हो सकता है। मतलब ये जब बच्चा, ठीक है, डॉग और कैट के बीच में अंतर कर पाता है, ठीक है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन बोलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों साम्य धारण, तो साम्य धारण क्या होता है कि ये एसिमिलेशन और समायोजन, ठीक है, दो टर्म है, इन दोनों टर्म के बीच में एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रहता है, ठीक है ना। मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दोनों के बीच में ये संतुलन बनाए रहता है, इसे हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक टर्म क्लियर हो गया, दोनों के बीच में क्या संतुलन बनाए रहता है, तो दोनों के बीच में संतुलन बनाता है जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब आते हैं लोग अस्कीमा और अस्कीम में, ठीक है। अस्कीमा क्या होता है? अस्कीमा एक नॉलेज होता है। मतलब जो हमारे पास जो मेंटल प्रोसेस होता है, जो हमारे पास पहले से एक्वायर किए गए नॉलेज है, उसको हम लोग अस्कीमा बोलते हैं। एक है वो किसी भी व्यक्ति का व्यवहार करने का खुद का ढंग, कि कौन व्यक्ति है, वो किस तरह से कार्य करता है, इसे हम लोग अस्कीमा बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चा है, एक बच्चा है वो किसी फंक्शन में गया, पार्टी में गया, ठीक है ना, तो वो आराम से अपने हाथ से खाना खा रहा है, तो वो व्यक्ति का खुद का करने का ढंग हुआ। अरे दूसरा बच्चा है, वो भी सेम फंक्शन में गया हुआ है, सेम पार्टी में गया हुआ है, तो वो क्या है? नाइफ और फॉर्क से खा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में अंतर हो गया। तो व्यक्ति का व्यवहार करने का खुद का ढंग, एक व्यक्ति व्यक्ति जो है वो हाथ से खाना खा रहा है, और दूसरा व्यक्ति है वो नाइफ और फॉर्क से खाना खा रहा है। तो व्यक्ति का व्यवहार करने का ढंग जो होता है वो अस्कीमा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है ना, तो हम लोग वो सोचेंगे कि हम लोग बाय बस जाए, बाय ट्रेन जाए, बाय प्लेन जाए, तो एक मेंटल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो इस मेंटल प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अस्कीमा बोलते हैं। सेकंड थिंग आई अस्कीम, अस्कीम में होता है किसी भी कार्य को करने के लिए विभिन्न तथ्य, जो अलग अलग एलिमेंट्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे बाई बस हुआ, बाई रोड हुआ, बाई ट्रेन हुआ, बाई प्लेन हुआ, ये सारे चीजें स्कीम्स में आते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा दोनों में ये अंतर हो सकता है कि जो हम लोग कहीं भी हमें जाना है, ठीक है, तो हमारे सोचने का तरीका, जैसे हम लोग सोच रहे हैं, मतलब हम कुछ मेंटल प्रोसेस करेंगे, ठीक है, सोचना, तो ये सोचना जो हो जाएगा वो अस्कीमा हो जाएगा, ठीक है ना, ये सोचना अस्कीमा हो जाएगा। लेकिन अलग अलग तरीके, ठीक है, अलग अलग जो माध्यम, अलग अलग तरीके, ठीक है, या माध्यम, ये क्या हो जाएगा? ये आपका स्कीम हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। शॉर्ट में आप इसको याद रख सकते हैं कि जो सोचना हुआ वो अस्कीमा हो गया, और अलग अलग तरीके, अलग अलग माध्यम जो हुआ वो स्कीम हो गया। जैसे हम लोगों को लंदन जाना, ठीक है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्लेन से जाएंगे, शिप से जाएंगे, ठीक है, या ट्रेन से जाएंगे, जो भी है अवेलेबल, जो भी साधन है, प्लेन है, शिप है, तो अलग अलग तरीके से हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो जो सोचना हुआ वो स्कीम हुआ, और अलग अलग जिस मीडियम्स का यूज करेंगे, तरीके का यूज करेंगे, वो स्कीम होगी, स्कीम हुआ। शायद आप लोगों को ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कीमा और स्कीम्स एग्जाम्स में हर बार आते रहते हैं, ठीक है, और
आने वाले यूपी टेट का एग्जाम्स हो या यूपी टेट का मेंस एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम्स हो या अपकमिंग जून में नेट का एग्जाम होने जा रहा है, तो उससे उस एग्जाम में भी पियाजे थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप अनुकूलन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रिएशन क्या है, स्कीमा क्या है, स्कीम क्या है, आप शायद समझ गए होंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग पियाजे के चार स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।